नमस्कार मेरे परिवारजनों, मैं आपका अपना विशाल कालका विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना फॉर्म सबमिट करके आया हूं। आज मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि मैं बहुत ही साधारण परिवार से हूं और बहुत सी दिक्कतों का सामना करके यहां तक पहुंचा हूं। और मेरे सहयोगी जो कि जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उन सब ने मुझे हमारे जो कॉलोनी वालों ने, गांव वालों ने मेरी मदद करके मुझे यहां तक पहुंचाया है। वो सब इन दिक्कतों में है। एक गरीब जो दिक्कतें झेल रहा है और उन्हीं दिक्कतों से मैं भी जूझ रहा हूँ। इस सबको हमने सोच समझ के एक निर्णय लिया है कि हमारे बीच का ही कालका विधानसभा से खड़ा होगा। और जो दिक्कतें 15 सालों से चल रही है, उनको सबको खत्म कर देंगे हम। अब यहाँ पे हम शिक्षा और एजुकेशन की बात करेंगे तो वो बहुत दूर। अब जो हमारे प्रत्याशी अपोजिशन है, वो बड़े दावे कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये फैक्ट्री चलवा देंगे, शिक्षा के बारे में ये कर देंगे। इनसे नालियां खड्डे ही नहीं भरे जा रहे अपने अभी तक, तो एक आगे की बातें क्या करेंगे। और अब जब हम जैसे निर्दलीय, आपको आप लोग सब समझदार हो, मुझे ये बताओ कि निर्दलीय इतने खड़े क्यों हो रहे हैं? क्योंकि दिक्कतें हैं। और दूसरा, अपोजिशन कम, सिर्फ आप दो दो चार चार हजार वोटों से क्यों जीत रहा है? बहुमत से क्यों नहीं जीत पा रहा है? इसका मतलब आधे से ज्यादा इनसे खुश नहीं है। अब मैं आपसे ये आपसे मैं अपने हक के लिए लड़ने के लिए बोल रहा हूं कि अगर आप भी मेरी तरह सोचते हो तो एक बार मुझे मौका दो और अपनी आवाज को हमें आगे तक लेके जाना है। मैं ज्यादा पार्टीवादी से जुड़ा हुआ नहीं हूं, ना मुझे ज्यादा बोलना आता है, पर मैं ये कहूंगा कि हमारे जो गरीब मजदूर या मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। और हमारे गलियां, नालियां, मतलब हर तरह जो भी जो भी हमारी सरकार के अंडर आती है सुख सुविधाएं, वो हमें बिल्कुल नहीं मिल रही, इसीलिए हम खड़े हो रहे हैं। और दूसरा, अब हम खड़े होंगे, हमने सबने ये निर्णय कर लिया कि हम अब लड़ेंगे। और दूसरा, हम सब मिलके अब एक सरकार भी बनाएंगे, खुद अपनी सरकार। मेरे सब कॉलोनी वासियों ने मिलके मेरा साथ दिया है, मेरे मित्र सहयोगी, जितने मैं फैमिलियों से मिला हूँ, जितने लोगों से मिला हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। और अब जो ये है, वोट की राजनीति बिल्कुल बंद है। यहाँ से कोई नहीं जीत के जाएगा, सिर्फ हमारी जीत होगी, आपकी जीत होगी। मैं आज ये दिखाना चाहता हूँ, मैं जीतना कुछ नहीं। और सारा अरेंजमेंट जो मैंने किया है, वो मैंने अपने आप को दिखाने के लिए नहीं किया, मैं ये दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि एक गरीब कुछ भी कर सकता है, किसी के साथ भी लड़ सकता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो या किसी भी सत्ता में बैठा हो। हमें अपनी ही आवाज को ऊपर लेके जाना है और इसके लिए आपका मुझे सपोर्ट चाहिए। तो बाकी बात